हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि पुलिस की भर्ती में जाना चाहते हैं। तो मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए असम पुलिस की तरफ से जो वेरियस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आई है उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो। बम्पर नंबर की सीट है, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के ऊपर रहने वाली है। ऑल इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीट डिटेल वे में इस पोस्ट के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ आप सभी का, फटाफट से हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि असम पुलिस के अंदर रिक्रूटमेंट आई है वेरियस पोस्ट के ऊपर। तो ओवरऑल जो आपका टोटल पोस्ट रहने वाला है 5563 सीट्स के लिए वैकेंसी आई है। इसमें आपको अलग अलग पोस्ट के ऊपर भर्ती देखने को मिल जाएगी। बोटमैन, कांस्टेबल, कांस्टेबल एपीआरओ, कांस्टेबल बैकलॉग, कांस्टेबल ड्राइवर, हवलदार, एसआई, मतलब कि ड्राइवर और भी बहुत सारे पोस्ट के ऊपर है। तो कंप्लीट डिटेल में इसके बारे में आपको इसके नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, मैं उसको बाद में पोस्ट कर दूंगी। तो इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। आपका ये फॉर्म स्टार्ट होगा 15 अक्टूबर से, लास्ट डेट टू अप्लाई 1 नवंबर 2023 रहने वाला है। आपको फ्रेंड्स इसका वेट नहीं करना है कि 1 नवंबर तक टाइम है तो आराम से फॉर्म अप्लाई करेंगे, नहीं। 15 अक्टूबर को जैसे ही ये फॉर्म ऑनलाइन होगा आप जल्द से जल्द अप्लाई कर देना, अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपके पास एलिजिबिलिटी है तो। चलिए अब डिफरेंट पोस्ट के रिगार्डिंग एज लिमिट को देख लेते हैं। एसआई असम पुलिस के लिए मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 26 इयर्स एज की आपकी लिमिट रहने वाली है। एसआई इन कमांडो बटालियन के लिए 20 टू 24 इयर्स आपका एज लिमिट रखा गया है। कांस्टेबल इन कमांडो बटालियन मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 21 इयर्स रखा गया है। कांस्टेबल और ड्राइवर की पोस्ट के लिए मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 25 इयर्स आपका एज लिमिट रहने वाला है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो मिनिमम आपका 10th, 12th एंड बैचलर्स डिग्री, साथ ही साथ हैवी मोटर व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल, इनमें से किसी का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मतलब कि इतने सारे पोस्ट है तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। वो आपको ना मैं टेलीग्राम चैनल पर जब नोटिफिकेशन पोस्ट करूंगी तो उसमें आप जाके देख लेना किस किस पोस्ट के ऊपर कितनी भर्ती है और क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहने वाली है। तो चलिए आगे अब हम लोग देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। तो योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर फोर स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर पीईटी, व्हिच मींस कि आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसी में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब फिजिकल मेजरमेंट प्लस आपकी क्या शारीरिक क्षमता है उसका होगा यहाँ पर जांच। उसके बाद रिटन एग्जाम होगा और अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको उसका बोनस पॉइंट मिलेगा। लास्टली आपका ना ओरल वाइवा, मतलब कि आपका जो है एक समझो कि कॉमन इंटरव्यू टाइप का टेस्ट होगा। और बोटिंग के लिए अगर आप करते हो बोटमैन के लिए तो बोटिंग और स्विमिंग का आपका टेस्ट होता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन चीज में कितना कितना मार्क्स आपको मिलेगा। पीईटी के लिए 40 मार्क्स मिलेगा, रिटेन टेस्ट 50 मार्क्स का रहेगा, एनसीसी वालों को 5 मार्क्स का आपको बेनिफिट मिलेगा, ओरल वाइवा या फिर इन सब का जो आपका बोटिंग स्विमिंग टेस्ट है ये आपका 15 मार्क्स का रहता है। ओवरऑल आपका 100 मार्क्स का आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पर डिसाइड करेगा कि 100 मार्क्स में से 110 में से आप कितना मार्क्स लेते हो वो आपकी सिलेक्शन को डिसाइड करेगा। चलिए अब देख लेते हैं फिजिकल क्राइटेरिया क्या रखा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब शारीरिक माप जिसको आप बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले मेल कैंडिडेट्स के लिए। जनरल ओबीसी एससी एंड एमओबीसी का जो है मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर, चेस्ट की रिक्वायरमेंट 80 टू 85 सेंटीमीटर। एससी पी कैंडिडेट्स एंड एसटी एच कैंडिडेट्स के लिए हाइट मिनिमम 160 सेंटीमीटर और चेस्ट रहेगा 78 टू 83, मतलब कि आपका 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक्सपेंशन होना चाहिए। अब चलिए देख लेते हैं फीमेल्स के लिए हाइट की क्या रिक्वायरमेंट है। फीमेल्स के लिए जो हाइट रहेगी फ्रेंड्स जनरल ओबीसी एससी एसटी पी और एमओबीसी एससी के लिए रहेगा मिनिमम 154.94 सेंटीमीटर। एसटी कैंडिडेट्स एज के लिए आपकी मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड है 152.40 सेंटीमीटर।
तो ये तो हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके बाद होगी आपकी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें की रनिंग होगी मेल कैंडिडेट्स के लिए 3200 मीटर की रनिंग 14 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। फीमेल्स के लिए रनिंग 1600 मीटर की होगी, 8 मिनट के अंदर इसको आपको कंप्लीट करना होगा। लॉन्ग जंप मेल के लिए मिनिमम 335 सेंटीमीटर 3 चांसेस मिलेंगे, फीमेल्स के लिए मिनिमम 244 सेंटीमीटर रहेगा, इनको भी 3 चांस दिया जाएगा। सो आई होप कि फिजिकल आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद जो आपका एग्जाम होगा उसका पैटर्न हम लोग समझ लेते हैं। 100 क्वेश्चन का पेपर होगा 50 मार्क्स के लिए, मतलब पर क्वेश्चन हाफ मार्क्स आपको मिलेंगे। इसमें सब्जेक्ट वाइज अगर बात की जाए तो मैथ्स, रीजनिंग, असम का जो इतिहास है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जीके, जीएस एंड करेंट अफेयर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के लिए। टाइमिंग उसमें बताया नहीं गया है, तो आप जब अपना ये कंप्लीट करोगे फिजिकल, फिर होगा एग्जाम, उसके बाद आपका वाइवा वगैरह हो जाएगा, तो आपका सिलेक्शन होने के बाद आपकी जो पोस्टिंग होगी असम के डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि असम के पुलिस के अंडर ये वैकेंसी आई है। और अगर इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आप जानना चाहते हो तो इसका नोटिफिकेशन मैं पोस्ट कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहां पे जाके नोटिफिकेशन को थोरो आउट रीड करना, उसमें क्या सैलरी मिलेगा, कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो सकता है, क्वालिफिकेशन सारा कुछ डिटेल में मैं दिया गया, तो आप वहां पे जाके जरूर एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके थोरो आउट रीड कर लेना। तो मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और आपको टेलीग्राम चैनल, सबका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी फॉलो कर लेना। वीडियो पसंद आए तो भर भर के खूब सारा लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ना आप ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।